போய் எல்லாம் हमें यहाँ क्यों लाए साहब जी? साला प्रेम से समझाता हूँ तो तुम लोग समझते नहीं हो। कहा था ना मैंने, मंत्री प्रधान के खिलाफ जाओगे और खुले सांड की तरह घूमोगे तो एक दिन रास्ते पे कुत्ते की मौत मरोगे। अब जान बचाने का एक ही तरीका है, मेरी जान लेकर भागना होगा। मौत से क्यों भाग रहा है बे? मौत को तो यूं ही लोग बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। कचरा क्लियर, अपना रिकॉर्ड भी क्लियर। प्रधान जी, काम हो गया आपका। वाह आयुष्मान, कभी कभी फैसला नहीं कर पाता हूं कि तू बड़ा कमीना है या मैं। क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों देश की सेवा कर रहे हैं। अगर फैसला लेना ही है तो मेरे सीपी बनने का फैसला लीजिए। तेरे प्रमोशन लेटर पर तब साइन करूंगा जब तेरी बहन और मेरा बेटा मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करेंगे। मैं भी ये फैसला नहीं कर पाता हूँ प्रधान जी कि सबसे बड़ा कमीना कौन है, मैं या आप। क्या करूं आयुष्मान, मेरे बेटे का दिल तेरी बहन पर आ गया है और बेटे की ख्वाहिश सर आंखों पर। चल इसी बात पर आज का सेलिब्रेशन तेरे घर पर। ओके सर। सर क्या है? क्या क्या हुआ प्रधान जी? वो पुलिस वाला जिसको तुमने अंकिता की हिफाजत के लिए भेजा था, उसने विशाल को मारा, गैलेक्सी मल्टीप्लेक्स के एक माले से नीचे फेंक दिया। जोरावर, वो जो भी है उस बिद्दी ने विशाल को मारा। मैं देखता हूँ। गाड़ी निकालो। यस सर। अरे यादव। यादव सर। हाँ एक ही बात है, गैलेक्सी मल्टीप्लेक्स के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज मंगवाओ तुरंत। जी। यस सर। जोरावर, जोरावर तो नहीं हो सकता, कोई और ही है।